राजस्थान के टोंक जिले में खनन माफियाओं का आतंक बढ़ रहा है। गहलोता में माफिया किसानों के खेतों से अवैध बजरी के भरे ट्रक ट्रॉली को निकल रहे हैं, जिस वजह से किसानों के खेतों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने शासन से माफियाओं का आतंक रोकने की गुहार लगाई है। टोंक से कजोट गुर्जर की रिपोर्ट। तो मैंने आज ही ज्वाइन किया है, मैंने आपको बताया भी था कि एक बार जहाँ भी जो संभावित क्षेत्र है जहाँ से कोई शिकायत प्राप्त हुई है, वहाँ मौके पे जो भी जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनकी संयुक्त टीम बना के और उनको पहले क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे, उसमें एक बार फिर हम देखेंगे कि इस तरह की कार्रवाई वहाँ हो रही है और उस पर क्या पाबंदी लगाई जाएगी। सभी संभावित क्षेत्रों में इस तरह की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, पूर्ण रोकथाम का पूरा प्रयास करेंगे। अब मेरा तो यही निवेदन है कि जो वैसे तो बजरी अभी बंद बताए, लेकिन ये तो ऐसे चल रही है जैसे खुली हुई हो, ऐसे इन बजरी माफियाओं के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई खो भय कुछ भी नहीं है। तेज वाहन तेज गति से चलाते हैं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं इनके अंदर। तो मैं तो यही चाहता हूँ भाई, हम सुख शांति से रहे, कार्रवाई हो, ये बंद हो। साहब हमारे खेतों में बजरी माफियाओं की इतनी दादागिरी चल रही है कि अब तो ट्रैक्टर ट्रोली भर के लोडर वगैरह जो भी इनके वाहन है ना, उनको हमारे खेतों के अंदर से डायरेक्ट फसल के अंदर से निकालते। हमारे सौंफ की फसल नष्ट हो गई और गेहूं की फसल हो गई, जानवरों के लिए जो चारा बोते हैं ना रजगा, उसकी फसल नष्ट हो गई। इनकी इतनी दादागिरी चल रही है, इनको कुछ बोलते हैं ना भाई ऐसे मत करो तो हम जान से मारने की धमकी देते हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। कोई किसी भी प्रकार के हमने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इनकी इतनी दादागिरी चल रही है कि इन ना तो हमारी सुनते हैं ये, और इनसे अगर ज्यादा बहस वहस करो तो कहना वाहनों को ऊपर चढ़ाने की धमकी देते हैं, ऐसी धमकियां देते हैं। अजी रोज लोडर वोडर चल गए, खूब पाइप फोड़ जे छग दी ये कर गए, फिर हम मानेंगे ना होएगी। अंडी अंडी फोड़ गया, अंडी नहीं तोड़ गया, गेट पे हेटर लेना लेना सारे सारे चलते हैं। किस तरीके से चलते हैं? रात में दिन में चलते रहो, कोई कोई विश्वास आई ना। फिर आपको अब तक क्या क्या नुकसान हो गया? पाइप फोड़ दिया है, वो पाइप पाइपों को ऊपर ही रुक जाता है, कुएं के अंदर लग रहा है ना पाइप लाइन, वो लाइन लगे रहते उसको ऊपर ही जाता है। वो हम पानी मैं खड़े जाऊँ रोजी ने तो इसे मिटावा, वो भी नहीं करती हमारी पास।